जय श्री राम। हम आप सबकी बहन आरती घोसी, आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी जनों को स्वागत है। आप सबके लाने एक खास जानकारी, जो आप सबको पता है, बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुजरात में हैं। गुजरात में चार जगह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अलग अलग जगह, मतलब चार शहरों में अलग अलग जगह दिव्य दरबार लगने हैं। तो जो दूसरे दिव्य दरबार लगने हैं अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद कुछ जगह कैंसिल करी गई है। जहाँ के मतलब पहले जहाँ दिव्य दरबार लगने, तो अहमदाबाद में वह जगह कैंसिल कर दी गई है। काय कैंसिल कर दी है वो आप सब खिलाने वीडियो में बताएं। तो वीडियो लाइक चैनल खिलाने करो सब्सक्राइब जल्दी से, फिर हम आगे की जानकारी दें। कर दो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक भी कर दो, तो अब बढ़ रहे आगे। तो बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दिव्य दरबार लगा रहा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में पता है आप सबको, बता दें कारण कहा है कि दिव्य दरबार कैंसिल कर हुआ है। जगह की कमी है, जो कि आप सबको बता दें जगह को शायद आप सबको पता ही हो। जगह कैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जहाँ दिव्य दरबार लग रहा है, कैसे भी 10 दिन तक रुके बागेश्वर धाम सरकार गुजरात में, तो 10 दिन तक रहे तो 4 जगह अलग अलग जगह पे दिव्य दरबार लगाए जी। आप सबको बता दें गुजरात अहमदाबाद राजकोट और बड़ौदा में, मतलब 4 जगह हो गई। तो 4 जगह दिव्य दरबार लगने हैं, वो भी 2-2, 3-3 दिन दिव्य दरबार लगे हैं। लेकिन अहमदाबाद को दिव्य दरबार कैंसिल ऐसे कर दोगे आगे, मतलब टाइम बढ़ा दो है का ऐसे है कि जगह बहुत छोटी हती और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के श्रद्धालु भक्तों की संख्या है करोड़ों की में तादाद में पहुँचा थे। आप सबको पता ही है, तो वह जगह देखा तो बहुत छोटी हती और मतलब चारों के वाले ऐसी जगह को नाम है, तो वो तो कैंसिल कर दोगे है अब। लेकिन औरंगजन के मैदान में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को दिव्य दरबार लगाओ जो है, जो कि आप सब किलाने हुआ जानकारी दे वह आप हर जातो कैसे लोगों किलाने आवे जावे में दिक्कत परेशानी नहीं हो। और आप औरों से उम्मीद यही करा थे अपनी बहन को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल करें, चैनल किलाने सब्सक्राइब करके चलें और वीडियो शेयर भी कर दे करें कि बाकी सभी जनों को जानकारी मिलत रहे। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते आप सबको पता है, लेकिन आप औरों तक नहीं पहुँच पाते, ये हमारी गलती थी, शायद हमारी गलती है, शायद हम वीडियो बना वो अच्छे से नहीं आया। तो आप और हमें तरीका बताओ कि वीडियो हम अच्छे से कैसे बनाएं, कौन सी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करें जो आप और तक हमारी वीडियो अच्छे से पहुंच सकें। पहली बात तो हमें लगा था हमारे हिसाब से कि हमारे ऑडियो अच्छी नहीं है, कैसे माइक नहीं है हमारे पास और हम कैमरा है जो हल जाते, कैमरा नहीं है मोबाइल से शूट कराते हैं वीडियो। हम आप सब के लाने बता दें हमारे पास मोबाइल से हम वीडियो शूट कराते, तो अब ऐसे हमारे पास वो एक ऐसी जगह है नहीं है कि जो मतलब है कि एक जगह रख लो और वीडियो बनाओ। अब हाथ में लेके बना रहे हैं तो हल जाते, तो मजबूरी हाथ है भैया, दुखन लगाते हैं तो चेंज करना पड़ा था। अब जैसे जी है तो बदल लो, तो वो मोबाइल हल जाते, तो एक ही वजह से शायद जी भी दिक्कत परेशानी है जो आप और के पास हमारा वीडियो नहीं पहुँच रहा है। अब हमें और तो समझ में नहीं आ रही, मेहनत तो हम बहुत करा थे लेकिन शायद कछु और दिक्कत परेशानी। अगर आप और हमारी वीडियो अच्छी लगा तो कमेंट करके ही बता दे करें, फ्री सेवा है, पैसा नहीं लगा। जैसे हमें तो पैसे लगा था, वीडियो अपलोड कराते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। आप सबको पता है पहाड़ी इलाकों है तो नेट की दिक्कत रही है और चलत भी नहीं है। और आप सबके लिए एक जानकारी और दे दें, जो कि राजकोट में दिव्य दरबार लगन है, तो भाभी जगह बहुत अच्छी जगह है, बहुत बड़ी जगह कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। और आप सबके लिए ऐसी जानकारी हम देते रहे, लेकिन आप और से उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि आप और हमें कमेंट करके बता दें करें कि गुरुदेव की कौन सी जानकारी आप और चाहने हैं और कौन सी जानकारी आप और खिलाना ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप और ने कुछ जनों ने हमसे पूछी थी, कुछ दीदी भैया हर उन्होंने कमेंट करे थे, पूछी थी कि अगलो बिना टोकन को दिव्य दरबार कब लगे, मतलब गढ़ा गाँव में बागेश्वर धाम सरकार के गढ़ा गाँव में। तो वो आप सब खिलाने बता दें हैं कैसे अब बुकिंग फुल चल रही है। और अब आपको पता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कथाओं में व्यस्त हैं, जब भी जे हैं तो अब तो नई टोकन को दिव्य दरबार लगाओ जो है, कैसे टोकन अब बहुत ज़्यादा बुक हैं, अब टोकन की मतलब फ्री नहीं भाया जो पहले के टोकन है भाई, अब जा ही नहीं पा रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आप सबको पता ही है कि कितनी जगह कथाएँ हो रही हैं दिन पे दिन उनकी, मतलब एक भी अब जैसे कि 2024-25 तक उनकी कथाएँ बुक हो चुकी हैं। रुकावट के लाने खेद है कछु नहीं तनक से घर कछु जो नहीं आ गए हैं, तो इसे वीडियो तनक बंद कर दो, का करे यही तो परेशानी हो जाते है। और जहाँ देखो तो याद भी हम लगत खेत में जाना पर है वीडियो बना भी, चलो ठीक है आज वीडियो ते रहने दे, कैसे हम आदमी आ रहे हैं और फिर गांव की बहू बिटिया पर गए तो फिर अच्छो नहीं लगाते यार। ठीक है मिले अगले वीडियो में, तब तक वीडियो लाइक चैनल के लाने सब्सक्राइब कर दी। जय श्री राम। आगे जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दो, पढ़ दीजिए।